स्पेस हमेशा से हमारे लिए एक थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट से भरा टॉपिक रहा है, जिस पर घंटों बातें की जा सकती है। लेकिन जब से स्पेस हमारी पहुंच में आने लगा है, तब से हम सिर्फ स्पेस की बातें करने की बजाय वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने की प्लानिंग भी करने लगे हैं, थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट। और स्पेस से रिलेटेड वर्ड्स जैसे कि सैटेलाइट पहले हमें चौंकाने के लिए काफी होते थे, आज यही शब्द हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। तभी तो मोबाइल में GPS के रूप में, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन की फॉर्म में, डिजास्टर रिस्पांस और रिमोट लोकेशंस पर इंटरनेट प्रोवाइड करने के प्रोसेस में सैटेलाइट का ही हाथ है। यानी सैटेलाइट का हम तक पहुंचना तो अब बड़ी ही कॉमन सी बात हो गई है। और जहां तक स्पेस को छूने का हमारा अरमान है, तो उसे पूरा करने में भी दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस दिन रात जुटी रहती है, और इनमें इंडिया की इसरो भी शामिल है, जिसने स्पेस को एक्सप्लोर करने में बहुत से अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं। लेकिन फिर भी स्पेस तक पहुंच बना पाना काफी टफ और एक्सपेंसिव हुआ करता है, और अभी तक ये गवर्नमेंट और बिग कॉर्पोरेट्स के कंट्रोल में ही था। और साइंटिस्ट इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि स्पेस इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना है तो ऐसे लो कॉस्ट रिलायबल स्पेस लॉन्च व्हीकल्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है, जिन्हें प्रोड्यूस करना, असेंबल करना और क्विकली लॉन्च करना पॉसिबल हो। स्पेस इंडस्ट्रीज में बहुत सी प्राइवेट कंपनीज US और चीन में है, लेकिन इंडिया इस रेस में काफी पीछे था। लेकिन IN यानी कि इन स्पेस की वजह से स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन ओपन होने से ये सिनेरियो बदलने लगा है, और स्पेस तक हमारी पहुंच बढ़ाने के लिए और स्पेस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए इंडिया का नाम रोशन करने का ग्रेट अचीवमेंट स्काईरूट एयरोस्पेस के नाम दर्ज हुआ है, जो इंडिया की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसने स्पेस को एक्सप्लोर करने का पक्का इरादा बना रखा है। और इन स्पेस की परमिशन के बाद स्काईरूट एयरोस्पेस को उड़ने के लिए पंख मिल गए, और अब ये कंपनी इंडिया को स्पेस की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसरो के असिस्टेंस और गाइडेंस में स्काईरूट इंडिया के फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बना रही है। इसलिए आज आपको सुनाते हैं इंडिया की इस अमेजिंग और ग्रेट स्पेस कंपनी स्काईरूट की कहानी। 12 जून 2018 को तेलंगाना के हैदराबाद में एस्टेब्लिश हुई प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ऐसा इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है जो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को दूर करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। इसके लिए स्काईरूट कंपनी लो कॉस्ट लॉन्च सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने पर काम करती है, ताकि कम टाइम और कम कॉस्ट में स्पेस तक पहुंचा जा सके। स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन प्राइवेट एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसके फाउंडर्स इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट पवन कुमार चंदन और नागा भारत डाका है। रॉकेट इंडस्ट्री में सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक्सपर्ट से बनी इस कंपनी में 70 से ज्यादा रॉकेट इंजीनियर्स शामिल हैं। ये साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इंडिया को एक ऐसा फ्यूचर देना चाहते हैं जिसमें स्पेस फ्लाइट भी उतनी ही रेगुलर, रिलायबल और अफोर्डेबल हो जितनी एयर फ्लाइट हुआ करती है। और अब तो स्काईरूट कंपनी इसरो के टेस्टिंग और लॉन्च फैसिलिटी को यूज करके अपने प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है, और ऐसा करने से डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइमलाइंस दोनों को सेव किया जा सकता है। यानी ये कंपनी अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगी, थैंक्स टू इन स्पेस। वैसे आपको बता दें कि इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसे प्राइवेट स्पेस सेक्टर की एक्टिविटीज को रेगुलेट और परमिट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्काईरूट के पर्पस, मिशन, टारगेट्स और अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। ये कंपनी स्मॉल सैटेलाइट मार्केट पर फोकस करती है, और इसका पर्पस स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स की सीरीज डेवलप और लॉन्च करना है। सिंपल भाषा में कहे तो स्काईरूट इंडिया की ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो रॉकेट बनाती है, और अफोर्डेबल और रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स बनाना इनका मिशन है। इस कंपनी की सक्सेस का सिलसिला कुछ इस तरह आगे बढ़ रहा है कि ये भारत की पहली कंपनी है जिसने लिक्विड प्रोपल्शन इंजन, सॉलिड रॉकेट स्टेज और हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट थर्ड स्टेज की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। साल 2020 में स्काईरूट को अपने इनोवेशंस के लिए स्पेस कैटेगरी में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिला है। ये कंपनी किस तेजी से स्पेस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रही है, इसका अंदाज आपको इस बात से हो जाएगा कि स्पेस एक्स ने अपनी कंपनी शुरू होने के 6 साल बाद पहला रॉकेट फाल्कन 1 लॉन्च किया था। लेकिन स्काईरूट अपने पहले रॉकेट के लॉन्च में इतना ज्यादा समय लगाने का इरादा नहीं रखती। वो जल्द से जल्द यानी दिसंबर 2021 तक अपना पहला रॉकेट विक्रम फर्स्ट लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है। वाओ, क्या स्पीड है! विक्रम फर्स्ट का लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट्स को स्पेस में एस्टेब्लिश करने के देश के फर्स्ट एफर्ट्स में से एक होगा, और इसके लॉन्चिंग पर सबकी आंखें और उम्मीदें टिकी हुई हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी SSLV बनाने वाली कंपनी स्काईरूट एडवांस्ड रॉकेट्स बनाने में जुटी हुई है।
जिसे असेंबल किया जा सके और स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज किया जा सके। अगस्त 2020 में स्काईरूट पहली बार लाइमलाइट में तब आई जब इस कंपनी ने रमन फर्स्ट सॉलिड फ्यूल अपर स्टेज का टेस्ट किया, जो कि विक्रम फर्स्ट का कंपोनेंट है। और इसी के साथ स्काईरूट ऐसी फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एंटिटी बन गई जिसने ऐसा स्टेज टेस्ट किया हो। रमन फर्स्ट अर्थ ऑर्बिट में मल्टीपल सैटेलाइट्स को पहुंचा सकता है। इसका ये नाम इंडियन फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। और विक्रम फर्स्ट के बारे में जाने तो इसे स्काईरूट एरोस्पेस का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, जो विक्रम सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज का नाम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये लॉन्च व्हीकल्स की एक सीरीज है जिसे स्पेशली स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए तैयार किया गया है। विक्रम सीरीज में 3 रॉकेट्स हैं जो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जीपीएस, स्पेस से आईओटी और अर्थ इमेजिंग जैसी कम्युनिकेशन सर्विसेज को सपोर्ट करेंगे। स्काईरूट विक्रम फर्स्ट को कमर्शलाइज करना चाहती है और उसके बाद इसके 2 वेरिएंट्स विक्रम 2 और विक्रम 3 को भी कमर्शलाइज करने का इरादा रखती है। विक्रम 2 और विक्रम 3 लॉन्च व्हीकल्स विक्रम फर्स्ट से 80% तक सिमिलर हैं और 20% अपग्रेड हैं। ये तीनों व्हीकल्स मिलकर के लार्जेस्ट पेलोड रेंजेस को कवर करते हैं, जिसमें 200 से 700 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स को लॉन्च करना शामिल है। इतने पेलोड रेंज को लॉन्च करने की कैपेसिटी मार्केट में मौजूद बाकी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स में नहीं है। विक्रम सीरीज का यूनिक आर्किटेक्चर है जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए आइडियल है और इसकी कॉस्ट भी कम आती है और स्पीड ऐसी है जो पहले कभी भी आपने नहीं देखी हो। और तो और, इस सीरीज को 72 घंटे से कम टाइम में असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। स्काईरूट का ये अचीवमेंट भी काफी बड़ा रहा है कि इस स्टार्टअप कंपनी ने 11 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ अपनी सीरीज ए फाइनेंसिंग को सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया है, ताकि इस प्लैनेट पर यह स्पेस के लिए मोस्ट अफोर्डेबल ऑन डिमांड राइट बन सके। ये इन्वेस्टमेंट इंडियन स्पेस स्टार्टअप सीन का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इस फंडिंग का यूज करके स्काईरूट में न्यू टैलेंट एक्वायर किया जाएगा और विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। और अब आगे इस कंपनी का टारगेट जल्द से जल्द आने वाले कुछ सालों में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जुटाना है, जिसका यूज करके स्काईरूट के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सकेगा। कंपनी का एम है कि ये जल्द से जल्द अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज के कंपैरिजन में 90% लेस डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ ऑर्बिट तक पहुंचे। और जब कम कॉस्टिंग रहेगी तो स्काईरूट के इंटरनेशनल कस्टमर्स को चीपर और यूनिक ऑप्शंस प्रोवाइड करना आसान हो जाएगा। इस कंपनी के ग्लोबल कस्टमर्स में यूएस और यूरोप की सैटेलाइट कंपनीज शामिल हैं और स्काईरूट का 95% से भी ज्यादा मार्केट अब्रॉड से आता है। स्काईरूट ने अपनी प्लानिंग के बेस पर लॉन्चिंग के लिए बुकिंग करना भी शुरू कर दिया है, जो कि 2022 के मिड से शुरू होने की उम्मीद है। स्काईरूट ने अपने सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज कलाम 5 की सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग भी की है। और इसी के साथ स्काईरूट ऐसी पहली प्राइवेट फर्म बन गई है जिसने सक्सेसफुली एक फुल सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज को डिजाइन भी किया और डेवलप करने के साथ टेस्ट भी किया। कलाम 5 कलाम सीरीज के 5 सॉलिड रॉकेट मोटर्स में से एक है जिसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा है और बाकी 4 का टेस्ट होना बाकी है। ये नाम इंडिया के मिसाइल मैन और फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कलाम 5 एक एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना है जो स्टील केस से 5 गुना लाइट है। ये पूरी तरह ऑटोमेटेड प्रोसेस है और ये पूरी तरह से स्वदेशी भी है। इस कंपनी ने एक फुली क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोपेलेंट इंजन धवन 1 भी डेवलप किया है, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड स्वदेशी रॉकेट इंजन है, जो फ्यूल के रूप में लिक्विफाइड नेचुरली गैस यानी कि LNG पर चलता है। ये 100% 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। यूं तो क्रायोजेनिक इंजन को बनाने में 2 साल तक का टाइम लग जाता है, लेकिन स्काईरूट ने 3D प्रिंटिंग और एडवांस्ड मटेरियल्स की हेल्प से इसे केवल 2 दिन में तैयार कर लिया। इट्स शॉकिंग, है ना? स्काईरूट कंपनी ने 100 से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं और फ्यूचर में ये स्पेस स्टार्टअप हजारों जॉब्स क्रिएट करने वाली है। लेकिन स्काईरूट की सक्सेस का ये सफर इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि एक वेल सेटल्ड और रेप्यूटेड जॉब को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना रिस्की तो रहता ही है, साथ ही फैमिली सपोर्ट मिलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक्सपीरियंस पवन कुमार चांदना ने अपने इंटरव्यू में शेयर किया है कि किस तरह ये डिसीजन लेना उनके लिए टफ रहा और इसरो की जॉब छोड़कर अपना स्पेस स्टार्टअप स्टार्ट करने के उनके डिसीजन को फैमिली सपोर्ट मिलने में भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इतनी रिस्पेक्टेड जॉब को छोड़ने के डिसीजन पर कोई भी पेरेंट्स तुरंत कैसे अग्री हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्काईरूट ने स्पेस फील्ड में अपनी जगह बनानी शुरू की और पवन कुमार की कंपनी ने देश को स्पेस इंडस्ट्री में पहचान दिलाना शुरू किया, उसके साथ उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया और उन पर फक्र भी महसूस करने लगे।
यानी अगर वाकई में आपके प्लान्स और आइडियाज में इतना पोटेंशियल है कि वो आपको उड़ान भरने में हेल्प कर सके और आपके पास इतना जुनून है जो हर सक्सेस के साथ बढ़ता चला जाए, तो आप भी अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, बिल्कुल स्काईरूट के फाउंडर्स की तरह। अभी स्काईरूट ऐसा रॉकेट डेवलप करने पर काम कर रही है जिसे एक दिन में असेंबल और लॉन्च किया जा सके, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये दुनिया भर में स्पेस में स्मॉल सैटेलाइट भेजने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि स्काईरूट एरोस्पेस इसी तरह तेजी से आगे बढ़ती रहे और स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया का नाम रोशन करने में सफल होती रहे। इसी के साथ स्काईरूट एरोस्पेस की सक्सेस की कहानी पर बना ये वीडियो पूरा हुआ, और इस वीडियो ने आपको भी जरूर से इंस्पायर किया होगा अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया के तेजी से बढ़ते कदम देखकर आप भी बहुत खुश हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिन्होंने इसे लिखा है, बनाया है, उन सबकी मेहनत कैसी लगी, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो के जरिए क्विक सपोर्ट पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।